लॉकडाउन चल रहा है तो जो हमारे पास सामान है जो अवेलेबल है उसी से मैं आपको आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अब जो हम आइसक्रीम बना रहे हैं उसकी सामग्री इस तरह है। ये हमने दूध लिया है 1 गिलास, मलाई वाला दूध है, तो आप इसमें मलाई है तो ठीक है, नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन 1 गिलास दूध, आटा, चीनी, नमक, ये हमने इलायची ली है जिसको कूट के रखा है, और कॉर्नफ्लावर। अब बनाते हैं हम आइसक्रीम, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, गर्मी भी है, घर में आइसक्रीम हो तो सबको पसंद भी आती है और घर की चीज़ तो होती ही है। देखिए हमने पैन लिया, अब हम ये पैन में मिल्क ऐड कर रहे हैं। जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक हम इसके अंदर डालने की चीज़ की तैयारी करते हैं। हमने इसमें बोल में हम आधा बोल दूध लेंगे, इसके अंदर हम ये 1 चम्मच आटा डालेंगे और आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर, तो हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए, आप अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे आटा और कॉर्नफ्लावर। आप डरिए नहीं कि आटा कच्चा रहेगा, जब हम इसको मिल्क के साथ बॉईल करेंगे तो आटा अपने आप पक जाएगा और बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम ही बनेगी, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब इसमें हम धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे ताकि लम्स नहीं पड़े। अब हम इसमें थोड़ा सा येलो कलर ऐड कर रहे हैं, आपको कोई और कलर चाहिए हो तो आप वो ऐड कर सकते हो, पर मैंने बिल्कुल माइल्ड सा येलो कलर ऐड किया है ताकि ये थोड़ा सा पेल सा इसका कलर हो जाए। अब जब ये थोड़ा थिक होने लग जाए, देखिए, तो अब इसमें हम थोड़ा इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसको वापस हिलाएंगे, ये जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा 5-7 मिनट में। अब इसमें हम चीनी भी ऐड कर देंगे, चीनी हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून, क्योंकि 1 गिलास ही मिल्क था। अब इसको 5-7 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए ये थिक हो गई है, अब ये जब ठंडी होगी तो ये और थिक हो जाएगा, फिर हम इसे ठंडा करके आइसक्रीम मोल्ड में डालेंगे। उससे पहले हम इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसमें एयर बबल आ जाए और ये बिल्कुल मार्केट जैसी बने। जब हम गैस बंद कर देंगे तब हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब हम इसको सॉल्ट डालेंगे बैलेंस करने के लिए इसका टेस्ट जो है। आपने देखा होगा मार्केट में थोड़ा सा आइसक्रीम खाते हैं तो थोड़ा सॉल्टी फ्लेवर भी आता है, बस आप गैस बंद कर दें तो ये नमक डाल के इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अब ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो गया। अब हम इसको एक और स्टेप लेंगे, इसको हम मिक्सी में एक बार ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये एयरी हो जाए तो ये और अच्छी सॉफ्ट जमेगी। तो अब मैं हैंड ग्राइंडर से इसको ग्राइंड कर रही हूँ। से ग्राइंड कर लिया। ये मेरे पास बॉक्स है, बॉक्स सबके यहाँ होंगे, एयर टाइट बॉक्स है, उस पर मैंने एल्यूमिनियम फॉइल लगा ली है। अब इसके अंदर इसको डाल दूंगी मैं जमने के लिए। अब हम इसके ऊपर भी फॉइल लगा देंगे, अच्छे से पैक कर देंगे फॉइल लगा के और कवर कर देंगे। अब हम इसे फ्रीजर में रख देंगे, 6 आवर में ये तैयार हो जाएगी। और आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा फ्लफी हो तो आप एक बार 3 घंटे बाद इसे निकाल के वापस से मिक्सी में एक बार चर्न कर लीजिए और वापस इसे जमने रख दीजिए। अब ये फ्रिजर में जाने के लिए एकदम रेडी है। हमने इसको ब्रिक को निकाल लिया, इजीली निकल जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि वो निकल नहीं रहा है तो आप हल्का सा पानी पीछे से थोड़ा उसको गरम कर लें, हल्का सा गरम करके बाहर निकालें, यूँ पे निकल जाएगी। देखिए पूरा ब्रिक निकल गया। और दूसरी बात मैं कह रही थी, अगर आपके पास अभी कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप उसकी जगह आटा यूज़ कर सकते हैं, आटे के साथ भी पूरा बना सकते हैं।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।